हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपको जानकारी है ऑलरेडी कि गेट का रिजल्ट आ चुका है और गेट के रिजल्ट के आने के साथ ही अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने, अलग अलग IITs ने अपने नोटिफिकेशंस निकालने शुरू कर दिए हैं एडमिशंस के लिए MTech या MS बाय रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड। अब जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि हमारी रैंक कितनी है, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या हमें IIT के लिए जाना चाहिए या NIT के लिए जाना चाहिए, कहीं मेरी रैंक बहुत पीछे तो नहीं हो गई है, कहीं मुझे इस कॉलेज मुझे कॉलेज से कॉल आएगा भी या नहीं आएगा। इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो मेरे पास रेगुलरली स्टूडेंट्स YouTube के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से मुझे लगातार भेज रहे हैं। उसमें से कई लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं इंडिविजुअली कर पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आने के कारण कई सारे मैसेजेस छूट भी जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैं अपने जो प्रीवियस बैच है उससे जो स्टूडेंट्स अलग अलग IITs में गए हैं उनको कॉल कर रहा हूं और उनके साथ एक वीडियो बना रहा हूं जिसके ज़रिए वो अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं कि जब COAP में उन्होंने रजिस्टर किया था तो उनकी रैंक क्या थी, उनको कौन सा कॉलेज मिल पाया था, कौन कौन से कॉलेजेस से कॉल आई थी, NIT से कॉल आई थी या नहीं आई थी। इस तरीके की सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपनी एक स्टूडेंट के साथ बनाया था जिनका नाम था ऐश्वर्या। वो IIT गांधीनगर में अपना मास्टर्स कर रही हैं। आज मैं अपने एक और स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, उनका नाम है मुस्कान, वो IIT रोपर से अपना मास्टर्स कर रही हैं। तो आज हम मुस्कान के साथ डिस्कस करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था COAP वगैरह को लेकर के, और उनकी क्या रैंक थी, किस तरीके से कॉलेजेस का उनको कॉल आया था, कहाँ कहाँ से आया था, क्या क्या उनका एम था, इस सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। हमारा एम बस यही है क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स से स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, बट आफ्टर सेलेक्शन कोई सपोर्ट नहीं रहता, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता, और बहुत अच्छी अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस को चूज करने से चूक जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट ने जम करके मेहनत की होती है और उसको उस मेहनत का फल मिले, ये मेरा एक मेन एम है ये वीडियोस बनाने का या इतना एफर्ट डालने का। मेरा क्या, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना टाइम इसीलिए दे रहे हैं ताकि जो परेशानियां या जो कन्फ्यूजन्स उन्होंने झेले थे वो आप ना झेले और एक कॉन्फिडेंट चॉइस के साथ आप अपने कॉलेजेस को चूज कर सके। तो इसी एम को लेकर के, इसी विजन को लेकर के हम आज आगे बढ़ते हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अपनी स्टूडेंट को जिनका नाम है मुस्कान। मुस्कान प्लीज आप हमारे बीच में आइए और हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुस्कान, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुस्कान से मैंने अभी जल्दी ही बात की थी, रिक्वेस्ट की थी उनसे कि वो आए हमारे बीच में जुड़े। मुस्कान ने उसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, थोड़ा व्यस्त भी हैं लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुस्कान कि आपने समय निकाला हमसे जुड़ने के लिए। मुस्कान सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ताकि, क्योंकि हमारे और भी व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, आपने क्या पढ़ाई की है, बैचलर्स कहाँ से किया, ये सब थोड़ा सा बताइए। ओके सर, गुड इवनिंग ऑल, मायसेल्फ मुस्कान एंड आई एम फ्रॉम रोहतक हरियाणा। आई हैव डन माय बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक एंड करंटली आई एम इन IIT रोपर इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके मुस्कान, आप हिंदी में भी बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के भी होंगे, उनको इंग्लिश में भी दिक्कत हो, आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात कर सकती हैं। तो मुस्कान, आपने जैसे कि बताया आपने बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है बैचलर्स में, है ना? तो आप ज्यादातर, जैसे मैं हर बार स्टूडेंट से पूछता हूँ क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी तो इतना ज्यादा हमारे देश में उसका नाम बहुत है कि बायोटेक बायोटेक बायोटेक, क्या आपको भी बायोटेक में सीरियसली इंटरेस्ट था कि आपका एम था कि मेडिकल लाइन में जाऊंगी और मेडिकल में नहीं हो पाया फिर आप बायोटेक में आई, ऐसा कुछ था? सर एक फैक्ट के साथ रहते हैं कि बायो जो मेडिकल फील्ड है उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हर एक स्टूडेंट उसमें सक्सेस, जरूरी नहीं है कि हर एक को मिले भी, पर हर एक बंदा, हर एक इंसान अपना ट्राई जरूर देता है, बट उस ट्राई के साथ साथ आपका एक प्लान बी जरूर होता है। और वो 12th में जब हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो उस बेसिस पे फिर थोड़ा और इस बारे में रिसर्च की कि अगर मेडिकल फील्ड में नहीं हो पाता है तो एक प्लान बी के साथ चलते हैं,
तो वो मेरा था कि एक बायोटेक्नोलॉजी एक नई ब्रांच है काफी, तो मैं उसमें अपना करियर कहीं ना कहीं बिल्ड करूंगी। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी इनका एक प्लान बी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता भी है कि मेडिकल में नहीं हो पाएगा तो बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी आप फील्ड के तौर पे ले लीजिए, लेकिन उसके बाद जैसे कि मुस्कान ने अपने ड्रीम्स को परस्यू किया, एक बार आपने चूज कर लिया बायोटेक्नोलॉजी तो फिर आपको उसके साथ लगे रहना चाहिए और लास्ट तक परस्यू करना चाहिए अपनी ड्रीम्स को। अच्छा मुस्कान, क्योंकि हम गेट के बारे में आज बात करने वाले हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस एग्जाम के बारे में कब पता चला था कि यार ये गेट नाम का भी कुछ होता है, कब समझ में आया था? सर, जब बीटेक के थर्ड ईयर में होते हैं तो जब हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो गेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उन लोगों ने ही हमें काउंसिल किया उस टाइम पे कि आप लोग थर्ड ईयर में भी दे सकते हो एज अ ट्रायल। तब हमने 2021 में एज अ ट्रायल गेट एग्जाम को दिया था, बट उस टाइम पे कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो उस टाइम पे नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे इसके बारे में खुद से रिसर्च की, सीनियर्स को देखा तो पता चला, और फिर आप मिले यूट्यूब पे अच्छा, तो उससे थोड़ा डायरेक्शन मिली उस चीज के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो सही समय है वो थर्ड ईयर है गेट का एग्जाम देने का। बेस्ट समय मैं आपको बताऊं तो थर्ड ईयर का समय सबसे अच्छा होता है गेट का एग्जाम देने का, क्योंकि उस समय ना आपके पास वो जो कंपनीज वगैरह प्लेसमेंट वगैरह का प्रेशर नहीं होता, प्रोजेक्ट का प्रेशर नहीं होता, और थर्ड ईयर में उतना ज्यादा पढ़ाई का भी मुझे लगता है कि पढ़ा प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है, तो आप गेट के लिए स्पेसिफिकली तैयारी अच्छे से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फाइनल ईयर में जाते जाते इंसान के ऊपर प्लेसमेंट का भी बहुत जबरदस्त प्रेशर रहता है, कंपनीज आ रही होती हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि क्या समय सबसे अच्छा रहता है, थर्ड ईयर से अच्छा कोई समय नहीं होता, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स थर्ड ईयर को मतलब ऐसे उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। मुस्कान ने भी गलती की थी, थर्ड ईयर में उतना सीरियस नहीं थी, फाइनल ईयर में जा करके इनको समझ में आया कि यार देर हो चुकी है, अब पढ़ाई सीरियसली करनी चाहिए, तो फाइनल ईयर में इन्होंने गेट पूरी जान से दिया और सिलेक्शन इनके हाथ में था। अच्छा मुस्कान, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आजकल तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक्सेल भी है, बीटी भी है, इकोलॉजी वगैरह से भी लोग देते हैं, आपने किस किस सब्जेक्ट से दिया था? सर, मैंने बायोटेक्नोलॉजी से ही सिर्फ दिया था, एक ही एग्जाम पे फोकस किया था। अच्छा, एक्सेल आपका नहीं मूड था कि एक्सेल की तरफ से आपका नहीं वो था मूड की देने का, राइट? नो सर, नो सर। अच्छा, अभी अभी मुस्कान ने बताया कि हमारे साथ इन्होंने गेट बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन की थी। मुस्कान थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको कैसा लगा हमारे साथ पढ़ करके, किस तरीके से कोर्स चला था, क्या कोर्स टाइम पे कंप्लीट हुआ था, कितना फायदा हुआ आपको? सर, पहले तो बिना गाइडेंस के दिया था तो नहीं हो पाया था, फिर आपकी हेल्प से लिया था। आप बेसिकली कंसेप्ट पे ज्यादा वर्क करते हो, तो वो कंसेप्ट हमारे लाइफ टाइम लोगों के साथ रहते हैं। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम, ऐसा नहीं होता कि हम कुछ रट कर आए हैं तो भूल जाएंगे, हम कोई भी चीज भूलते नहीं है। और आप इतना हमारा सिलेबस इस तरह से कंप्लीट होता है कि हम 2-3 बार रिविजन कर ही लेते हैं, 2-3 बार तो आपके साथ रिवीजन हो जाते हैं कुछ, और आप इतना टाइम देते हैं कि हम अपने लेवल पे खुद से भी एक रिवीजन कर लें। तो इस तरह के शेड्यूल के साथ, 3-4 बार रिवीजन के साथ इंसान कोई भी कंसेप्ट को भूलेगा नहीं, तो वो बहुत चीज अच्छी बात की। काफी बिल्ड करती है। आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिली थी कोर्स के साथ आपने, यस सर, यस सर। वो और तो टेस्ट टाइम टू टाइम आप सीरीज? शेड्यूल करते थे। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा आप ये भी बताइए स्टूडेंट्स को कि मतलब आपको ये जो हमें हमारे साथ जब आप जुड़ी थी तो काउंसलिंग में भी क्या आपको इतनी ही गाइडेंस मिली थी जितनी मतलब क्लास के दौरान मिलती थी? यस सर, आपका हर टाइम साथ था, इवन आफ्टर द रिजल्ट। मैंने सबसे पहले आपको कॉल किया था कि सर रैंक ये हाँ है, क्या करना चाहिए। आपने मुझे बिल्कुल याद है। ट्रूली, ऐसे कोई फॉल्स होप ना दे के मुझे ट्रूली मुझे बताया था कि इस तरह से तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे रैंक के हिसाब से। आपने मुझे रैंक के हिसाब से मुझे गाइड किया था, ताकि मैं कोई मतलब भटक ना जाऊं उस चीज से, कोई कोई अपॉर्चुनिटी रह ना जाए। जी, ये मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जगहों पे ये चीज पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन करवा देना किसी स्टूडेंट का वो तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स उसके बाद इधर उधर भटके ये बहुत खराब बात है। एक अच्छी रैंक पे आया हुआ स्टूडेंट के हाथ से अगर कॉलेज निकल जाएगा तो वो सारी जिंदगी उसका अफसोस उसको रहेगा, और इसीलिए मैं ये वीडियोस तो मेरे स्टूडेंट को तो मैं रेगुलरली गाइड कर ही रहा हूँ जैसे मुस्कान बोल रही है, लेकिन आप लोग जो मेरे मेरे साथ अभी पढ़ाई नहीं कर रहे उनको, उनके लिए भी ये स्पेसिफिक वीडियोज हैं ताकि आप भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकें।
अच्छा मुस्कान, मुझे एक चीज बताइए कि आपकी मतलब क्या रैंक आई थी और क्या स्कोर आया था, वो सबके साथ शेयर करिए। हाँ सर, मेरी रैंक थी 957 और मेरा स्कोर था 450। ओके, देखिए मैं मुस्कान को आज इसीलिए यहाँ पे इनवाइट किया हूँ क्योंकि मुस्कान से बहुत अच्छी रैंक के स्टूडेंट्स आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी खड़गपुर, मुस्कान आपको याद होगा, आपके आपके साथ में अर्पिता भी थी और आपके साथ में अमीशा भी थी, जो लोग सर आईआईटी खड़गपुर आईआईटी गुवाहाटी गए थे। लेकिन अगर मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करता तो वो आपको, क्योंकि उनका सिलेक्शन बहुत अर्ली स्टेज में हो गया था, काउंसलिंग के फर्स्ट सेकंड स्टेज में काउंसलिंग पे हो गया था उनका, तो वो आपको इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं बता पाते कि एनआईटी में क्या होता, क्योंकि उन्होंने एनआईटी का फॉर्म नहीं भरा, या आईआईटी में भी फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में ही वो सेलेक्ट हो गए। तो इसलिए मैं मुस्कान को यहाँ पे इनवाइट किया क्योंकि इन्होंने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं काउंसलिंग के, फिर चाहे वो एनआईटी हो चाहे आईआईटी हो, सब कुछ देखा है, तो वो सर आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगी। तो मुस्कान आपकी रैंक पीछे चली गई थी, आपने आपने बताया अभी सबको कि रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी, तो आपको अंदाजा था यार कि मुझे आईआईटी मिल पाएगा, कभी सोचा था कि मैं आईआईटी पढ़ पाऊंगी? पढ़ाई इस चीज के लिए की थी, लेकिन रैंक जिस हिसाब से रह गया था तो ये था कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, एनआईटी के लिए जरूर ट्राई करेंगे। बट मैंने आईआईटी के लिए होप्स नहीं छोड़ी, मैंने जितने फॉर्म हो सके उतने फॉर्म फिल करे, हो सकता है बाय चांस कोई सीट बच जाए और मुझे मिल जाए, और वही हुआ है। बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही। जब इनका रिजल्ट आया था तो इन्होंने मुझे बताया था कि सर मेरी इतनी रैंक है, तो मैंने इनसे कहा था कि देखो मुस्कान, एनआईटी तो पक्का मिल जाएगा, मुस्कान आपको याद होगी मेरी बात, मैंने बोला था एनआईटी पक्का मिल जाएगा, आईआईटी में फॉर्म मत छोड़ना कोई भी, आईआईटी में संभावना कम है लेकिन हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब तुम सारे फॉर्म भरोगी। तो ये बच्ची या और भी बच्चे यही पूछते हैं कि आप फॉर्म अगर नहीं भरोगे ना तो होना भी होगा तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़े से पैसे लगते हैं इस दौरान, लेकिन इतना ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है फॉर्म्स का, 200-300 रुपए फीमेल्स के लिए तो सस्ता भी है, अगर मेल्स हैं तो थोड़ा आपको कॉस्ट लगेगा, 400-500 रुपए भी कई जगह का, जैसे आईआईटी बीएचयू का मैंने देखा था शायद 500 रुपए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा लग सकता है आपका, लेकिन ये रिस्क वर्थ टेकिंग है। अब जैसे कि मुस्कान की रैंक पीछे थी लेकिन अगर वो फॉर्म नहीं भरती तो उनका कॉल नहीं आता आईआईटी रोपड़ से, है ना, तो इसीलिए आपको सारे फॉर्म्स जितने हो सके फॉर्म्स भरिए, अगर मॉनिटरी कंस्ट्रेंट नहीं है तो सारे फॉर्म्स भरिए, अगर है तो आपकी रैंक के हिसाब से आपको भरने पड़ेंगे, वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, उसमें गाइड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने भी मुस्कान के साथ में ये सोचा नहीं था कि कौन सा आईआईटी मिल जाएगा, मुझे बहुत कम होप्स थी टू बी ट्रू कि आईआईटी मिलेगा, और वो भी देखिए मुस्कान ने बताया भी कहीं पे 6-7, मुस्कान कौन सी काउंसलिंग में आया था आपका नंबर? 10th राउंड में मुझे मिला है आईआईटी टेंथ रोपड़ राउंड में जाकर के काउंसलिंग में आईआईटी रोपड़ मिला, तो आप सोच सकते हैं कि किस राउंड तक जाती हैं काउंसलिंग्स, तो किस आप नहीं कह सकते, लक फैक्टर यहाँ पे भी काम करता है और प्लस आप कितने डेडिकेशन के साथ आपने सारे फॉर्म्स वगैरह भरे हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सिलेक्शन होने के बाद मुस्कान क्या किया था, क्या कोई और भी एग्जाम्स वगैरह दिए थे कि भाई बहुत हो गया गंगा नहाते हैं? सर यही हुआ था, मैंने और कोई फॉर्म नहीं फिल किया। अच्छा मुझे अच्छा एग्जाम देके तो ये लगा था कि हाँ एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इतना मुझे पता था। हाँ, बट रैंक का इतना श्योर नहीं था, अच्छा बट गैटबी मैंने वगैरह, कॉस्ट गैटबी या सीयूईटी वगैरह एग्जाम नहीं भरा था आपने? नो सर, नो सर, वो मैं भर नहीं पाई थी। ओके अच्छा, थोड़ा सा मुझे काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में बताइए मुस्कान, कि जो गेट की काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है, कब से शुरू होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। श्योर सर। सर जो बेसिकली आईआईटी के लिए अगर हमें एडमिशन लेना है तो वो एक कोप पोर्टल है, कॉमन ओपन एक्सेप्टेंस पोर्टल। उसके लिए क्या होता है कि कैंडिडेट आफ्टर रिजल्ट हमें सबसे पहले कोप पर, वो आफ्टर 1 वीक ओपन हो जाता है। उसमें हमें सबसे पहले अपनी आईडी, हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें फिल करने होते हैं, और अपना गेट स्कोर के साथ हमें उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर उससे हमें एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। उसके बाद हमें हर एक आईआईटी की इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाकर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। हर एक आईआईटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन वो मांगते हैं, अलग अलग फीस होती है। तो जैसे जैसे आप आईआईटी के फॉर्म फिल करते जाओगे, जो जो फिल होते जाएंगे वो आपके कोप के पोर्टल पे आपको शो होने शुरू हो जाएंगे, और मेन काउंसलिंग और कोप के पोर्टल पे ही होगा।
तो आईआईटी में फिल होने से फॉर्म फिल करने से पहले आपको कोप पर जरूर रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा मुस्कान, जैसे आप बोल रही हैं कि अलग अलग आईआईटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग कोर्सेज के लिए होते हैं, तो क्या हम लोगों को या स्टूडेंट्स को हर आईआईटी जहाँ जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी या इससे रिलेटेड फील्ड्स हैं उनकी वेबसाइट पे जा करके उनका इंफॉर्मेशन ब्रोचर को पढ़ना पड़ेगा और उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करनी पड़ेगी, इजंट इट? यही कहना चाहती हैं? यस सर, यस सर, क्योंकि कुछ आईआईटीज मैथ्स भी इंक्लूड करते हैं। जैसे हम बायो वाले स्टूडेंट्स के पास मैथ्स सब्जेक्ट एज नहीं होता है, बट कुछ कुछ को कुछ ब्रांचेस में मैथ्स कंपलसरी हो जाता है, तो उनको हम एक बार स्लोली एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि बहुत सारे आईआईटीज में 12th पे मैथ्स मांगते हैं। जब अब जैसे कि मुस्कान तो बीटेक की हुई है तो इनका ग्रेजुएशन में मैथ्स है, लेकिन कई सारे बच्चे जो हैं उनके पास वो एमएससी करके आए हुए होते हैं। अगर आप एमएससी करके आए हैं तो आपके पास 12th पे मैथ्स नहीं होगी, या हो सकता है हो, मुझे नहीं पता, अगर नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन में भी बीएससी में भी मैथ्स नहीं होगी, तो आप वहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। तो एक ये चीज़ ज़रूर चेक करनी ज़रूरी है। ऐश्वर्या के इंटरव्यू में मैं इस बात को हाईलाइट करना भूल गया था कि 12th में अपनी मैथ्स वाला चक्कर जरूर चेक लीजिए। देखिए जैसे अभी आईआईटी रुड़की का फॉर्म आया है, आईआईटी रुड़की में कई सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा है, मैंने उसका वीडियो बना रखा है अलग से, कई सारे डिपार्टमेंट में ऐसा है जहाँ पे 12th में मैथ्स मांगी हुई है। तो बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से बाहर हो गए, तो आप ज़रूर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिए। ठीक है मुस्कान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन से आईआईटी के फॉर्म भरे थे, थोड़ा सा ये बताइए स्टूडेंट्स को। सर, पहले तो जो हमारी टॉप 7 थी उसमें वो मैंने फिल किए थे। आईआईटी दिल्ली नहीं फिल कर पाई थी, क्योंकि उसमें गेट स्कोर 600 कुछ प्लस एलिजिबिलिटी मांगा थे उसके था। बाद। ओके हाँ, यस प्लस मांगा था। तो उसके बाद आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी गुवाहाटी, गांधीनगर, जोधपुर, ये सब मंडी मैंने वगैरह फिल भी, किए। मंडी भी फिल किया था? हाँ सर, आईआईटी मंडी भी फिल किया था सर। अच्छा ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट आपसे कुछ छूटा नहीं था, आपने सारे ही आईआईटीज नो फिल सर, किए थे। ठीक यस है, सर, ये एक पॉजिटिविटी दर्शाता है कि आपने मतलब अगर आप कॉल आ गया, क्योंकि बहुत सारे आईआईटीज इंटरव्यू बहुत अच्छा लेते हैं और अगर इंटरव्यू यस अच्छा सर, हो जाता है तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। तो इन्होंने टॉप आईआईटीज को भी फॉर्म भरा था, ये भी मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस चीज़ को कि इन्होंने उतना नेगेटिव नहीं लिए चीज़ों को, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ी कि अगर कॉल आ गया तो मैं इंटरव्यू तो कम से कम फेस करूंगी, कम से कम देखूंगी तो कि क्या होता है वहाँ पे, हो सकता है पीछे वाले आईआईटीज में मुझे इंटरव्यू का फायदा कम से कम मिल जाए। तो अगर मॉनिटरी कंस्ट्रेंट नहीं है आपके पास तो आप इंटरव्यूज कम से कम फॉर्म्स फिल करिए सारे के सारे। अच्छा मुझे फिर ये बताइए कि आपके पास कॉल कहाँ कहाँ से आया था, कौन कौन से आईआईटीज से कॉल आया था? सर। मुझे शुरू में मुझे आईआईटी जोधपुर से कॉल आया था, तो आईआईटी आईआईटी जोधपुर जोधपुर, मुझे इंटरव्यू मुस्कान का। एक चीज और बताइए कि ये जो आईआईटीज हैं ये क्या सिर्फ और सिर्फ गेट के स्कोर पे ही सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर अपना भी इंटरव्यू या अपना रिटन एग्जाम लेते हैं? सर, कुछ कुछ आईआईटी सिर्फ गेट के स्कोर पर ही होते हैं, लेकिन जैसे आईआईटी जोधपुर है, उन्होंने मेरे से ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था उनके साथ, और आईआईटी गांधीनगर है वहां से भी मुझे कॉल आया था, उनसे भी मेरा इंटरव्यू हुआ था। मुझे गांधीनगर इन पर्सन जाना पड़ा था और वहां पर मैं गई भी थी और मैंने इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम दोबारा हुआ था, वो एग्जाम भी दिया था ओके मेरा। तो फाइनली मतलब जोधपुर का इंटरव्यू जब आपने दिया था तो वहां से रिजल्ट आया था, वहां पे सिलेक्शन हुआ था कुछ यस सर, लेकिन वो आईआईटी रोपड़ में सेलेक्ट होने के बाद रिजल्ट आया बाद था। आया था जोधपुर में? जोधपुर यस में आप फाइनली सेलेक्ट हो गई थी? यस सर, उसमें हो गए थे सर, अच्छा, और इसमें गांधीनगर में वहां से कॉल नहीं आया था। वहां से नहीं हो पाया था? अच्छा ये थोड़ा सा और बताइए, रोपड़ में क्या हुआ था? रोपड़ में भी इंटरव्यू वगैरह कुछ हुआ था क्या? नो सर, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, यहाँ से जस्ट गेट स्कोर से ही हो गया था। गेट स्कोर भी हो गया था। थोड़ा सा अपना जो आपका जोधपुर का जो इंटरव्यू था अगर आपको याद हो थोड़े बहुत क्वेश्चंस, या क्या किस तरीके से पूछते हैं, क्या बहुत ज्यादा ग्रिलिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं, किस तरीके का इंटरव्यू होता है? बेसिकली सर, जो आईआईटी जोधपुर का था वो ऑनलाइन हुआ था, और उन्होंने मतलब एक तो गेट के सिलेबस को ही कंसीडर करते हुए उनसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे जहां तक मेरा रहा था। तो आपने जितना पढ़ा था हमसे उससे सारा क्लियर था, उससे सब हो गया था, इंटरव्यू बढ़िया हुआ था आपका?
हाँ, इवन उन्होंने मुझसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग फील्ड में या फिर जो मेरे प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे थे। उन्होंने वो तो शायद मुझसे आपने मुझसे पूछा भी था कि क्या किस तरीके से तैयारी करनी है, तो मैंने बताया था प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लीजिए, वही पूछ लिया आपसे। हाँ सर वही पूछा था उन्होंने। पहले मुझसे पूछा कि आपका प्रोजेक्ट किसमें था और देन उस प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन पूछ लिए थे। आईआईटी जोधपुर में हमारी एक और स्टूडेंट है प्रीति, शायद आप आपकी बातचीत भी होगी उनसे, तो यस वो सर, है, उनको भी मैं इनवाइट करने वाला हूँ, वो भी आएंगी अगले इंटरव्यू में, देखते हैं। चलिए अच्छा, मुझे ये बताइए कि मतलब जो काउंसलिंग जब फिल करते हैं, मतलब जैसे कि आपने 7 आईआईटीज का फॉर्म भरा, तो 7ों आईआईटीज आपको सीओएपी पोर्टल पे दिख जाएंगे, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तुरंत सीओएपी पोर्टल पे वो अपडेट हो जाते हैं, है ना? यस सर ऐसा ही होता है। अच्छा, तो फिर अब जैसे आपने फॉर्म भर दिया सीओएपी पोर्टल पे वो आपको दिखने लगे, अब धीमे धीमे आप जब फॉर्म भर चुके हैं तो वहां से स्क्रीनिंग होगी फॉर्म्स की और आपको सीओएपी पोर्टल पे वो ऑफर किए जाएंगे एडमिशन्स, राइट? जो सर वो काउंसलिंग जो राउंड्स होते हैं ना, आप सभी भर सारे सभी फॉर्म्स को फिल करने के बाद फिर राउंड्स होते हैं कोप के, राउंड वन राउंड टू। उसमें फिर अगर आपको कोई राउंड वन में कोई आपको आईआईटी मिली है तो वो आपको कोप पोर्टल पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा एज ए ऑफर। आपको फिर उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, फिर वो आप अपने गेट स्कोर के अकॉर्डिंग। तो ये जो मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये फाइनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है, मतलब ये इंटरव्यू होने के बाद होगा, राइट? आईआईटी में जब आपका इंटरव्यू हो चुका होगा तब होगा। हाँ ये फाइनल होता है, फाइनल ओके बिल्कुल। ओके 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 यस मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं दोबारा स्टूडेंट्स को समझा दूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप फॉर्म पहले भर, आप पहले सीओएपी पे रजिस्टर करिए, फिर उसके बाद जाके आईआईटीज का फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी कि किन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए या रिटर्न के लिए बुलाया जाए, उनको बुलाया जाएगा, आप वहां जाइए इंटरव्यू दीजिए रिटर्न दीजिए, अगर आपका अच्छा इंटरव्यू जाता है रिटर्न अच्छा जाता है तो आपको फिर एडमिशन ऑफर किया जाएगा और वो सीओएपी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। एम आई करेक्ट, मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, और सीओपी पोर्टल पे दिखने के बाद सिर्फ आपको फीस फिल करनी होती है। अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो फिर आपको फाइनल आपकी कॉल आपको आएगी। फीस जमा करनी पड़ेगी, वो भी सीओएपी पोर्टल के जरिए ही होती है कि वो आईआईटी की अपनी वेबसाइट पे जाकर के होती वो है, आईआईटी की अपनी वेबसाइट पर होती है वेबसाइट सर। पे जाकर के होती है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आपने बढ़िया तरीके से सीओएपी का समझा दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आती है, वो सोचते हैं कि जैसे कि 1000 के बाहर अगर रैंक चली गई, आप भी ये बात समझ रहे? अच्छा पहले तो ये मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ, आपको कुछ आइडिया है कि कितने रैंक तक, क्योंकि आपकी 900 के आसपास रैंक थी, कितनी रैंक तक आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है पिछले साल? सर इन टॉप आईआईटीज देखा जाए तो 600 से 700 तक आपको अगर है ना, और आपने अच्छे से अपनी काउंसलिंग कराई है, आपने फॉर्म फिल किए हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एक अच्छी आईआईटी मिल जाए। उसके बाद फिर जो 600 से जो 1000 तक की रह जाती हैं उसमें एक सीट खाली बच जाती है, बच्चे नहीं लेते हैं, तो वो चांस है कि आपको सीट मिल जाए, मतलब आपके हिसाब से 1000 तक मिल सकता है मिल सकता है अगर उस हर एक फॉर्म फिल करे तो। किया होगा, तो अगर 600 तक है तो इनके हिसाब से मतलब मिल जाता है फॉर श्योर, लेकिन अगर 1000 तक थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाएगा, आपको फॉर्म सारे भरने पड़ेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके आईआईटी में लास्ट रैंक कितनी गई है, कुछ बता सकती हैं? सर अराउंड 1200 तक लास्ट राउंड रहा है, लेकिन वो कैटेगरीज पे भी डिपेंड रहता वो है कैटेगरी पे भी ऐसे डिपेंड ऐसे करता है। करे। ओके यस ओके सर, समझ गया। अच्छा मुझे बताइए, जो बच्चे नहीं मतलब जिनका 1000 के बाहर चले गए रैंक, वो तो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है कि यार मुझे तो कुछ, मेरा तो बेकार हो गया, मैं तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, क्या सच में इतना उदास होने की ज़रूरत है कि एनआईटी मिल जाता है? सर NIT मिल जाता है। 900 पे मुझे मेरे टॉप NIT मिल गई थी, जो बहुत मेरी बढ़िया। टॉप प्रायोरिटी में थी, वो मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गई थी। अच्छा मुझे बेटा ये बता दो कि कौन कौन से, जैसे स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि सर हम एनआईटी, कौन कौन सा एनआईटी फिल करें, कौन से एनआईटी, क्योंकि आपने आपकी रैंक पीछे थी तो जरूर आपने एनआईटी तो अच्छे तरीके से सर्च किए होंगे कि कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, कौन कौन से बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या ले सकते हैं, आपकी रिसर्च में आपने क्या देखा था, कौन कौन से एनआईटी जा सकते हैं स्टूडेंट? सर एज अ बायोटेक स्टूडेंट तो मैंने बेसिकली बायोटेक पे फोकस किया था कि किन, पहले तो ये सर्च किया था कि किन आईआईटीज में बायोटेक एज अ मुझे मिल रहा है। तो मैंने देखा था कि प्लेसमेंट लेवल पे भी मैंने फिर ढूंढना शुरू किया, तो NIT वारंगल हो गया है, उसमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। NIT दुर्गापुर है, NIT राउरकेला है, त्रिची है,
और सूरतकल में बायोप्रोसेस है, वो भी बहुत अच्छा है, और एनआईटी कुरुक्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी है। तो अगर नहीं मिल पाता बायोटेक तो आप नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा सकते हो जो एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी है। तो ज्यादा ही रैंक है तो आप एनआईटी जरूर फिल कीजिए, उनमें आपको मिल ही जाता है। बहुत बढ़िया। तो एनआईटी में कहाँ तक मिलता है, किस रैंक तक, कुछ आइडिया है मुस्कान आपको? मतलब इन अगर आइडिया है तो बताइए, वरना कुछ कोई बात नहीं। मुझे सर 900 था तो मुझे टॉप मिल गया था, तो मिल गया था। अब ओके, तो हाँ आपको आपका सबसे आपने सबसे पहला प्रेफरेंस कौन से एनआईटी को दिया था? सर एनआईटी वारंगल को दिया था मैंने, वरंगल को। वरंगल में कौन सा कोर्स चलता है? बायोटेक्नोलॉजी चलता है। बायोटेक्नोलॉजी। यस सर, अच्छा, आप रोपड़ में कौन सा सब्जेक्ट पे कर रही हैं एमटेक? सर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये जो काउंसलिंग है आईआईटी की और एनआईटी की, क्या ये बिल्कुल अलग-अलग पोर्टल पे होती है कि एक ही पोर्टल पे है, किस तरीके से होती है? सर बिल्कुल अलग अलग पोर्टल पर है, इवन प्रोसेस भी बहुत अलग अलग है इन दोनों का। उसके बारे में थोड़ा जो बताइए। हाँ जी सर, जो आईआईटी का है उसमें आपको हर एक आईआईटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, उनकी डेट्स और लास्ट डेट सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। और लेकिन एनआईटी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है, सीसीएमटी पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल करना होता है। उसमें अलग अलग एनआईटी की वेबसाइट पर नहीं जाना है, उसी में उसी फॉर्म के अंदर आप एनआईटीज की लिस्ट को फिल करते हो प्रायोरिटी वाइज, कि आपको किस एनआईटी में सबसे पहले, मतलब कौन सी एनआईटी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो आप उसको पहला नंबर देंगे और फिर नीचे नीचे आप पूरे भर सकते हैं जितना आपका मन चाहे, ऐसे रहता है। अच्छा, तो एनआईटी में कौन सा सब्जेक्ट, वो सब चीजें लिखी रहती हैं वहां पे, राइट? इस यस सर, तरीके। उसमें पूरी सीसीएमटी पोर्टल जब खुलता है वो एंड ऑफ द जून में ही ओपन होता है, बहुत ओके, लेट अच्छा, उस जब तक सारे आईआईटीज का हो ही जाता है ऑलमोस्ट, मतलब राउंड्स नहीं कंप्लीट, राउंड्स शुरू हो जाते हैं आईआईटीज के तब एंड ऑफ द जून में सीसीएमटी पोर्टल ओपन होता है। उसमें उसके अंदर सारी आपके एनआईटीज की लिस्ट है, आप उनमें पहले ये देखिए कि किन किन में आपके इंटरेस्ट का ब्रांच है। आप बायोटेक से हैं तो आप बायोटेक सर्च कीजिए, और किसी और से हैं तो वो सर्च कीजिए, और फिर आपको सर्च करना पड़ेगा इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो उस बेस्ट को आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में डालिए, उसके हिसाब से आप अपनी पूरी लिस्ट बनाइए। ओके, बढ़िया। सर तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया कि सीसीएमटी नाम का पोर्टल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू सीओएपी, क्योंकि वहां पे सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे सिंगल विंडो अवेलेबल है। सीओएपी में आपको अलग अलग आईआईटीज पे जा करके उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी लास्ट डेट, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। सीसीएमटी में ऐसा नहीं होगा, बट सीसीएमटी के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। वो खुलता है जून में, जैसा कि इन्होंने बताया, जब आपका आईआईटी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे होगा, आपके राउंड्स मतलब काफी जो मेन राउंड्स होंगे वो निकल रहे होंगे। लेकिन मेन बात यह है कि अगर आपकी 1000 के ऊपर भी रैंक है, तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एनआईटी आपको मिल सकता है, इनफैक्ट मिल जाएगा अगर आप ठीक ठाक किए हुए हैं तो। अच्छा, एनआईटी में भी क्या इंटरव्यू होता है मुस्कान, या एनआईटी में इंटरव्यू नहीं होता? नो सर, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। फॉर्म फिल होने के बाद सिर्फ राउंड्स होते हैं, उसमें आपको आपको आपके एनआईटी जो भी लिस्ट में आपके गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको एनआईटी मिल जाती है, उसमें फिर फीस फिल करनी होती है, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा, तो ये बताइए मुस्कान की, और कौन कौन से जैसे आईआईटीज में आपके पास कॉल जोधपुर से आया, रोपड़ से आया, बस दो ही जगह से आया था? गांधीनगर में भी गांधीनगर आया से था, आया था, मंडी इंटरव्यू वगैरह हुआ से नहीं था। आया था? नो सर, वहां से नहीं आया था। अच्छा, गांधीनगर के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बता सकती हैं कैसा था वो? हाँ सर, वहां पे उन्होंने कोई कंफर्म नहीं किया था कि वो इंटरव्यू लेंगे या रिटर्न एग्जाम, तो वहां जाके रिटर्न एग्जाम हुआ था। अच्छा, तो पेपर कैसा रीजनिंग के था? क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा अच्छा, बायो था पूरा और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी थे, थोड़ा ओके ट्रिकी ओके हो गया ओके था। ओके, चलिए। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि आईआईटी जैसे आप पढ़ रही हैं अभी ऑलरेडी, तो वो कितना अलग रहता है, मतलब आपके बैचलर्स के कॉलेज से आपको कितना अलग लगता है पूरा एनवायरनमेंट आईआईटी का? बहुत अलग है, बहुत एक ह्यूज डिफरेंस मुझे दिखा है यहाँ आके। हम जो बीटेक लेवल पे होते हैं सिर्फ हम अपने कोर्स से ही सीमित रह जाते हैं, जो बायोटेक है तो सिर्फ आप बायोटेक ही पढ़ते हो, लेकिन वो जब आईआईटी में होते हो आप तो एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स मिलता है आपको, जिसमें आप एक हर एक फील्ड से एक्सप्लोर होता है आपका। जैसे एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर मुझे पाइथन,
और बाकी लैंग्वेजेस, बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है। तो इससे आपके अंदर जो आपका रियल इंटरेस्ट है वो आपको पता चलता है कि हाँ ये शायद मेरा इंटरेस्ट है। और यहाँ पे कंसेप्ट पे ज्यादा काम किया जाता है, ये नहीं होता कि आपको शीट पर लिखना है, नहीं। अगर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा और आपने एक लाइन में भी आंसर लिखा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत चीज बड़ी बहुत बात है। अच्छी, बहुत मतलब अच्छी बात है आप आपकी। यस मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि वहाँ पे मतलब प्लेसमेंट्स होते हैं कि थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड ही इन्वायरमेंट है। सर रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा एनवायरनमेंट है यहाँ पे ओके ऐसा देखते हैं। ओके तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादातर मतलब जेआरएफ वगैरह करके रिसर्च में ही जाना चाहते हैं। हाँ, पीएचडी के लिए ही ज्यादातर परस्यू करते हैं आगे। यहाँ पर लैब्स भी इसी तरह होती हैं कि आप आगे पीएचडी में और रिसर्च करें और उनको इसी तरह तैयार किया जाता है। ओके तो आपका क्या एम है आगे चल करके मुस्कान, आप क्या करने का सोच रही हैं? जॉब ढूंढेंगी कि आपको मतलब पीएचडी करना है? सर मैं थोड़ा जॉब ओरिएंटेड पर्सन हूँ तो मैं अच्छा जॉब की तरफ जाना पसंद कर रही हूँ फिलहाल। ओके ओके बहुत बढ़िया। चलिए तो आज हमने मुस्कान से बहुत सारी बातें डिस्कस की। मतलब मैंने मुझे जितना पूछना था मैंने इनसे पूछा कि मेरा एक मेन एम ये था कि मैं स्टूडेंट्स को ये बोल सकूं कि अगर आपके पीछे रैंक भी पीछे है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले तो ट्राई करना चाहिए कि आपको आईआईटीज में कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाए, और वो तभी मिल पाएगा जब आप सारे के सारे फॉर्म्स फिल करेंगे। ये आपको कोई भी नहीं बता सकता भगवान के अलावा, और ये किसी को भी नहीं पता है कि आगे आपके भविष्य में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए आप इंश्योर करें कि आप सारे फॉर्म्स भरें, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है कि हाय मैंने फॉर्म भर दिया होता, रैंक 1200 तक गया था, मैंने फॉर्म नहीं भरा, मेरा हो गया होता। इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए आप फॉर्म जरूर फिल करें, किसी से भी पूछे नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। अब की बार तो रैंक का डिप्रिसिएशन के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ, तो कोई भी आपको ये 100% बता नहीं पाएगा कि आपको फॉर्म कहाँ का भरना चाहिए कहाँ का नहीं भरना चाहिए। फॉर्म भरें, आईआईटीज के लिए ट्राई करें, चाहे रैंक जितनी भी हो, पॉजिटिविटी दिखाएं, अच्छा इंटरव्यू दें, क्या पता आपको बेहतरीन आईआईटी मिल जाए। नहीं भी मिल पाया कोई बात नहीं, पीछे के आईआईटीज हैं वहां भी नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, एनआईटी है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हो पाया, आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया, तो जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है उसमें जाएं और फिर से एक बार पूरी जान से गेट की तैयारी करें, क्योंकि गेट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उसमें। कोई इतना टिपिकल एग्जाम नहीं है, एक टेक्निक है पढ़ने की उसको और निकालने की, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना है और किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। तो थैंक यू सो मच मुस्कान, आपने इतना समय निकाला, आप हमसे जुड़ी और इतनी सारी बातें आपने क्लियर की, काउंसलिंग से रिलेटेड, अपनी रैंक से रिलेटेड, आईआईटी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम विद अस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यही हमारे लिए मोटिवेशन है, हम एक बार फिर आएंगे किसी और स्टूडेंट की जर्नी को आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकें और सीख सकें उनसे कि वो आगे कैसे बढ़े। थैंक यू सो मच।